राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर की चार दीवारी और जहां जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के चलते आम जनता को कई तरह की समस्या सामने आ रही है। ऐसे में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में वॉर रूम बनाया हुआ है। कोरोना वायरस का कहर राजधानी में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए सभी तमाम इंतजाम कर रहा है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में यह वॉर रूम बनाया गया है जहां पर तमाम तरह की जो समस्याएं हैं यहां पर पहुंचती हैं और उसके बाद में यहीं से समाधान शुरू होता है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट का वॉर रूम काम करता है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से जो जिला कलेक्ट्रेट में जो वार रूम बनाया गया है वहाँ पर एडीएम अशोक कुमार जी और एसडीएम साहिबा जो यहाँ पर पूरा निर्देशन करते हैं, और उसी तरह से जहाँ यहाँ जो वार रूम में मेडिकल टीम, टेक्निकल टीम, हेल्प टीम और तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। जैसे ही कोई भी सूचना यहाँ पर पहुँचती है कलेक्ट्रेट के वार रूम में, वहीं से सूचनाओं का यहाँ कोऑर्डिनेशन होता है और तमाम फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को यहाँ से निर्देश दिया जाता है और वो ज़रूरतमंद के पास तुरंत अपनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए पहुँचती है। लेकिन उसी के तहत जिस तरह से लगातार जयपुर प्रशासन या जिला कलेक्टर निरीक्षण कर रहे हैं, उसी के तहत वॉर रूम में जो तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ पे दी गई है और वहीं से जो तमाम पूरे जयपुर का कोऑर्डिनेशन होता है। हमारे साथ एडीएम अशोक कुमार जी मौजूद है। सर, किस तरह से जयपुर का ये वॉर रूम काम करता है? वॉर रूम में लगभग 20 कर्मचारी और अधिकारी राउंड तक लोग यहाँ पर कार्य करते हैं और इसके अंदर हर तरह के हर विभाग से अधिकारी हमारे पास में यहाँ पर मेडिकल से हैं, रसद विभाग से हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके पी एच डी से हैं, पशुपालन विभाग से हैं, तो ये सभी डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी ग्रीवेंसेज हमारे पास में यहाँ पर आती हैं उनको सबसे पहले हम इनको अलग अलग करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पर रसद से संबंधित जो आती हैं खाने के लिए या सूखे राशन के लिए आती है, फिर दूसरे नंबर पर इसमें मेडिकल से संबंधित लोगों को जो सहायता की जरूरत रहती है, आपातकालीन कोई भी मेडिकल की आवश्यकता हो सकती है उसकी हमारे पास में आती है। फिर उसके बाद में कुछ हमारे पास में बिजली पानी या कुछ वाल से संबंधित है, तो इनको हम जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है हमारी यहाँ पर चार टेलीफोन लाइन्स हैं उसमें आती है, उसको हम सबसे पहले दर्ज करते हैं। दर्ज करने के उपरांत संबंधित विभाग का जो अधिकारी है उसको तुरंत अपने विभाग के जो यहाँ के हमारे जिले के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके और हमको तुरंत प्रभाव से उसको समाधान कराने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में जो खाने के आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो जिसके हमारे पास कंप्लेंट सुबह आती है तो दोपहर तक उसको खाना पहुँचे, ड्राई राशन की जरूरत है तो उसको सूखा राशन उपलब्ध करवाते हैं, और उसके बाद में हमारे पास में सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज आती हैं स्क्रीनिंग के लिए, सैम्पलिंग के लिए, किसी को अचानक कोई दिक्कत हो जाती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए। जैसे मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि कल रात को 11:30 बजे हमारे पास में एक कंप्लेंट आई कि हमारे पास में काफ़ी देर से एम्बुलेंस है वो पहुँच नहीं पा रही है, वो परेशान हो रहे हैं, तो हमारे पास सूचना आने के बाद में हमने विदिन 10 मिनट्स उनके पास में एम्बुलेंस कोई केस था जहाँ पर 10 मिनट में हमने एम्बुलेंस वहाँ पर जिसमें डिलीवरी केस था तो वहाँ पर पहुँचा दी और वाकई वो उसके अंदर देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। हर विभाग का जिसमें मैं आपको बता दूं मेडिकल, बिजली, पानी, पशु चिकित्सा से रिलेटेड और नगर निगम, इन सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे डीएलओ से एक रैंक नीचे के ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं और वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉल आता है, कोई शिकायत समस्या आती है तो उसको तुरंत उसको समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और अगर व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी शिकायतें हम फॉरवर्ड भी कर देते हैं, वहाँ से शिकायतों का समाधान होने के बाद कंप्लाइंस भी आ जाती है, हेल्पलाइन नंबर्स है, ईमेल से भी प्रॉब्लम्स हमें बता देते हैं लोग बाग, तो इस तरीके से शिकायतें आने का और शिकायतों के सॉल्व होने का कुछ इस तरीके का सिस्टम हमारे यहाँ मैकेनिज्म है। कुछ इसी तरह से जयपुर ज़िले का जो वॉर रूम है वो कोरोना की जंग से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही इस कोरोना की जंग को जीतने में कामयाब होगा। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ में लोकेश ओला A1 TV।